हमारा अभी तक इतना बन चुका है, मॉडलिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, इसमें मॉडलिंग का काम खत्म हो गया है। अब चलिए टेक्सचर्स देते हैं इसके अंदर, ठीक है। टेक्सचर की वीडियो रहेगी अब ये, ठीक है। पहले टेक्सचर्स देंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें टेक्सचर्स देने हैं इसके अंदर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देते हैं टेक्सचर। सबसे पहले देखा जाए तो ये व्हाइट कलर की पूरी वॉल्स हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो इस वॉल्स को व्हाइट कलर दिया जाएगा। तो एम प्रेस किया मैंने यहाँ से मटेरियल के लिए, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिएगा कि F10 प्रेस कीजिए, ठीक है। आपका रेंडर सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सारा कुछ वीरे के अंदर होना चाहिए। अगर किसी का वीरे दिखाई नहीं दे रहा है तो कस्टमाइज में जाइए आप। कस्टमाइज के बाद आप कस्टम UI एंड डिफॉल्ट स्विचर के अंदर जाएंगे, देन यहाँ से वीरे आप सेलेक्ट करके सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके वीरे के सारे कुछ दिखाई देने लग जाएंगे मेटेरियल, ठीक है। तो पहले जैसे हमने ये वाला वॉल के लिए दिया था, ये जो कलर है ये वॉल का ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कलर को पूरा अलॉट कर देते हैं, ठीक है। अलॉट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट कलर देना है तो मुझे यहाँ से मैं पूरा वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब कितना रिफ्लेक्ट करेगा ये, ठीक है। 10 से 20% के आसपास मैं इसमें रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर बात करें इसके अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ग्लोसीनेस को हम यहाँ से 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्लास्टिक पेंट टाइप का मटेरियल बन गया है, ठीक है। आप चाहें तो इसे 0.8 करेंगे, ठीक है, 8 करेंगे तो, और इस टाइप का जितना आपको ग्लोसी लेनी है आप उस टाइप से ले सकते हैं। मान लो मुझे 9 लेनी है तो 9, देखिए आपका इस टाइप का मटेरियल बन जाएगा 9 पे, ठीक है। 0.9 रखेंगे तो आपका ग्लोसीनेस इस टाइप की रहेगी, लेकिन मैं 0.7 ले रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए। ये मटेरियल हमारा एक बन चुका है, ठीक है। अब हमें सारी जितनी भी वॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, वॉल्स पहले मैंने जैसे ये वाला सेलेक्ट किया, इसके अंदर जितना भी सिलेक्टेड है इसे मैंने ये वाला अलॉट कर दिया, पहले से ही अलॉटेड है, ठीक है। लेकिन अगर जो चीज़ छूट गई है दोबारा उसमें अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वाले पे कर दिया है, ठीक है। इस पे तो अलग मटेरियल आना है अभी, फिर भी मैंने ये वाला मटेरियल इसे दे दिया है, ठीक है। अगर बात करें रूफ की, ठीक है, इसे भी मैंने ये वाला मटेरियल अभी अलॉट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सारा एक जैसा मटेरियल है। अब बात आती है ग्लास की, ठीक है। ग्लास के लिए हम क्या करेंगे, एक मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का है ये वाला जो है ग्लास के लिए, एक ग्रीन कलर दिया हुआ ना हमने ग्लास, इसको ग्लास का मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। ये हम पूरा कर लेते हैं इसे ब्लैक, ठीक है। ये पूरा हमने ब्लैक कर लिया, ब्लैक कलर का रहेगा ये। दूसरी चीज़ है रिफ्लेक्शन देना है इसके अंदर, रिफ्लेक्शन अच्छा खासा है इसके अंदर, रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि पूरा दिखाई दे रहा है आर पार इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें ग्लोसीनेस इसमें नहीं होगी, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन भी दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए ब्लैक वाला जो बना हुआ है, और यहाँ से उसे रिफ्लेक्शन दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा रिफ्रैक्शन रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा है अंदर का ज़्यादा, देखिए जितना देंगे आप आर पार दिखाई दे रहा है, इतना नहीं देना, और कम करेंगे। ये देखिए हमें हल्का सा देना है इसमें खाली, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसका बाहर का हल्का सा देंगे, बाहर का जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो है रिफ्लेक्शन इसमें पूरा रहेगा, और ये हमारा जो है मटेरियल बन गया है ग्लास का, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा ग्लास का मटेरियल बन गया है और अंदर का इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो मटेरियल हमें ये वाला जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है, इसमें देखिए व्हाइट कलर का है ग्लास के ऊपर जो लगा है, इसे हम व्हाइट कर लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद व्हाइट करने के बाद यहाँ पे हमें इसे रिफ्लेक्शन भी देना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का मटेरियल आपका देखिए बन रहा है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अगर ये फ्रेशनर हटा देते हैं तो ये हमारा जो बन जाता है मेटल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेटल बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमें मटेरियल बनाना है, ठीक है, मेटल बन चुका है, और हमें कुछ व्हाइट कलर का लेना है। रिफ्लेक्शन हम इसमें ले चुके हैं, और हल्का सा अगर चाहें आप यहाँ से 0.95 ग्लोसी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मटेरियल एक बन चुका है, कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात आती है, इसे भी हमें व्हाइट कलर का मटेरियल देना है, मैंने यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा इतना इसमें मटेरियल अभी आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है लाइट मटेरियल, क्योंकि हमें जो ये नीचे ये बनी हुई है ना लाइट्स हैं, इसमें लाइट मटेरियल देना है। लाइट मतलब वीरे लाइट मटेरियल, ठीक है। तो
तो ये यहाँ से दिया जाएगा, ये वीरे लाइट मटेरियल देखेंगे आप, ये यहाँ से ओके करेंगे इसे, तो ये हमारा वीरे लाइट मटेरियल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये आप ऑन कर दीजिए इसे, और ये है हमारा लाइट मटेरियल, LIG, ठीक है, मटेरियल लाइट मटेरियल है, ठीक है। अब हम इसे अलॉट कर देंगे बीच वाले को खाली, मैंने चारों के चारों लाइटें इसे मैं सेलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इसे असाइन कर दिया। आप देखेंगे ठीक है कि लाइट वाला मटेरियल इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, लाइट वाला मटेरियल इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। और ये हमने इस पर अभी लाइट वाला मटेरियल इस पर दे दिया है, ठीक है। अब बात आती है इसके ऊपर कि हमें ये वाला कलर कैसे देना है, ये देखेंगे आप इसके अंदर थोड़ा ग्रेस ग्रेस ही टाइप का दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये इसे हम ये वाला जो हमने मटेरियल दिया था इसे रूफ के ऊपर, ठीक है, इसे हमने ग्रेस कलर का दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो हल्का सा इसे अगर ग्रेस की जगह अगर दूसरा कलर देना चाहें, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई सी इस टाइप का या फिर येलो इस टाइप का, ठीक है। मैं डार्क में यही कलर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए किस टाइप का ये कलर हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से अपने हिसाब से दे सकते हैं जो भी कलर आपको देना है इसके ऊपर, ठीक है। मैं यही कलर दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला कलर मैंने इसके ऊपर दिया है, ठीक है। और इसे अगर रिफ्लेक्शन देना है, हल्का सा, ज़्यादा रिफ्लेक्शन मत देना, हल्का सा दे दीजिए यहाँ पे, या आप अगर ज़्यादा देते हैं तो ग्लोसी कर दीजिए इसे, ठीक है। आप इसे जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा मत दीजिएगा, मैंने इतना ही देता हूँ इसे, और यहाँ से ग्लोसी कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 8 कर दिया मैंने इसे, ठीक है। तो ये हमारा इस पर मटेरियल आ चुका है, ठीक है। आप देखेंगे हमारा इस पर इतना मटेरियल हमने इस पर दे दिया है, ठीक है। अगर इस ऊपर वाले की बात करें, इस पर भी हमारा ये वाइट कलर का ही मटेरियल रहेगा, ठीक है, वाइट कलर का मटेरियल रहेगा इस पे, ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन हमें एक चीज़ और बनानी है। ये देखेंगे ये नीचे से कि वाइट कलर का निकला हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमारी अभी छूटी हुई है, तो ये वाइट कलर का बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम इसके लिए, ठीक है, मैं इस पे करके सिलेक्ट ऑल्ट क्यू कर ले रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए कितना बढ़ाना है इसे, ये पूरा बराबर है अंदर, इधर दीवार में थोड़ा थोड़ा वॉल के अंदर आया हुआ है और हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, छज्जा टाइप का। तो हम क्या करेंगे, इसे मैंने ऑल्ट क्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसे टॉप व्यू में टी प्रेस किया मैंने, ठीक है, और एक यहाँ से बॉक्स ले लेता हूँ, F3 प्रेस कर देते हैं ताकि हमें दिख जाए कितना है लेना है, ठीक है। और यहाँ से ये हल्का सा बाहर की तरफ आया हुआ है और इतना, ठीक है, वॉल के अंदर है ये, और इसे बाहर की तरह इतना ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए कि ये इसकी जो है, ठीक है, आप देखेंगे ये इतना मोटाई जो है इसकी इतनी है, हल्का सा कम कर देते हैं इसकी मोटाई को, ठीक है, इतनी कर देते हैं, और L प्रेस करके इसको सही जगह पे लोकेट कर देता है, W प्रेस किया मैंने, ठीक है। और ये देखेंगे हल्का सा ये क्या है, इसके अंदर ये पूरा फिक्स हो रखा गया है वॉल के अंदर आके, और इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ से, और आप देखेंगे F3 प्रेस किया मैंने कि ये हमारा ये लग चुका है इस पर, ठीक है। मोटाई वगैरह इसमें और कम कर देते हैं, इसकी थिकनेस मुझे ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है, इतनी रख देता हूँ मैं, और इसे फर्स्ट वाला मटेरियल को फर्स्ट वाला इसमें अलॉट कर देता हूँ जो हमने वॉल के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर अलॉट कर दिया, ठीक है, Ctrl+S प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे हमारा इसमें मैक्सिमम, ठीक है, हमारा ये वाला ये जो है ये वॉल का हो गया, इसके अंदर हमने ग्लास में मटेरियल दे दिया है अभी इसके अंदर, ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये वाला मटेरियल वगैरह देंगे, ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।